टीएमसी के एक विधायक का एक वायरल वीडियो आता है जिसने आग में घी डालने काम किया। अपने बयान में टीएमसी के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती खुलेआम बीजेपी समर्थकों को धमकाते हुए दिखाई पड़ रहे। टीएमसी विधायक का यह बयान सामने आते ही बीजेपी ने ममता सरकार पर एक बार फिर सवाल उठा दिया। विधायक के बयान को टीएमसी राज का चाल चरित्र बीजेपी ने बता दिया। যারা কট্টর বিজেপি যাদেরকে হারানো যাবে না। बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है और प्रदेश में जारी सियासी लड़ाई के बीच एक विवादित बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ये बयान है टीएमसी के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का, जिनका बीजेपी समर्थकों को खुलेआम धमकी का वीडियो सामने आया है। पहले आपको टीएमसी विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का धमकी भरा पूरा वीडियो दिखाते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में इस विवादित बयान पर छिड़ी नई जंग के बारे में बताते हैं। আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধন্যবাদ বিজেপি ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের লিখছে। আর যদি ভোট দিতে না যান আমরা ধন্যবাদ আপনি আমাদের সমর্থন করছেন। बीजेपी समर्थकों को धमकी देने वाले नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती बर्धमान जिले की पांडेश्वर सीट से टीएमसी विधायक हैं। टीएमसी नेता का ऐसा धमकी भरा वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने ममता राज पर सवाल उठाया, विधायक के बयान को टीएमसी राज का चरित्र बताया। अभी आसनसोल में बाय इलेक्शन हो रहा है एमपी का, तो वहाँ उनके एमएलए इस प्रकार बात करके डर का वातावरण बना करके और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। पुलिस एक एफआईआर तो नहीं लेती है तो लोग कहाँ जाएं, तो इसी भय से लोग जी रहे हैं। और जो चुनाव हो रहा है उसमें लोकमत लोकतंत्र का कहीं नामो निशान नहीं है। जबरदस्ती चुनाव में जीतना और सत्ता में बने रहना उनकी एकमात्र काम है। তার মানে একটা জিনিস উনি বুঝেছেন যে বিজেপি লোকেরা যদি ভোট দেওয়ার সুযোগ পায় তাহলে ওনারা হারবেন, এটা উনি বুঝেছেন। আর এই ধরনের ধমকি দিচ্ছেন এটা না দিলেই ভালো হয়। উনি তো অনুব্রত মণ্ডলের শিষ্য, তো অনুব্রত মণ্ডল তো কিছুদিন পর হয়তো জেলের মধ্যে থাকবেন, তো এই ধরনের ধমকি যদি দিতে থাকেন তাহলে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে লুডো খেলার জন্য জেলেতে এক দুজন লাগবে, তখন হয়তো এনাকে যেতে হবে। এইগুলো না করলেই ভালো। बयान से साफ है कि टीएमसी विधायक बीजेपी समर्थकों को डराकर धमकाकर चुनाव पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी विधायक की धमकी भरी भाषा पर सवाल उठाया, साथ ही वायरल वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की।